शाओमी की सब ब्रांड रेडमी अपने दो फोन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है, रेडमी K20 और रेडमी K20 प्रो। ऐसा ऑफिशियल जो है शाओमी ने आज एक इमेज के थ्रू ऐसा बता दिया है कि भाई 20 मई को चाइना के अंदर एक लॉन्च इवेंट रखा है जिसमें ये दो फोन जो है रिलीज होने वाले हैं। उसके साथ साथ इंडिया में भी ये जो फोन है वो अगले महीने तक लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये कि K20 प्रो, जो रेडमी का K20 प्रो होने वाला है, वो इंडिया में पोको F2 के नाम से बेचा जाएगा और वो भी बहुत खतरनाक स्पेसिफिकेशन के साथ। तो एक पूरी स्पेसिफिकेशन की जो लिस्ट थी इन दोनों फोन्स की वो पूरी तरीके से लीक हो चुकी है। लाइक मैं जो भी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा वो मैं आपको हवा में नहीं बताऊंगा, वो ऑफिशियली है और सारी स्पेसिफिकेशन 110% सही है। तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है क्योंकि भाई पोको F2 जो फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट फ़ोन होने वाला है क्योंकि बजट लाइक 20 से 25 हज़ार रुपये में ये फ़ोन आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको टॉप मोस्ट स्पेसिफिकेशन मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, तो ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक छोटा सा रेड कलर का बटन होगा, आपको उसको प्रेस करना है और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की क्योंकि Xiaomi जो है इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके बता रहा है। क्योंकि इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में आपको 7th जनरेशन का सेंसर मिलेगा, उसके साथ साथ इसमें आपको 3P का लेंस मिलने वाला है। आई नो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, आपको ईजी वे में बताता हूँ। इसका जो सेंसर होने वाला है, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अभी के जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उससे। और इसमें ऑप्टिकल सेंसर मिलेगा जो आप सैमसंग के जो बड़े बड़े फ़ोन है लाइक एस सीरीज़ के जो फ़ोन है उसमें आप जिस तरीके का सेंसर मिलता है वो सेंसर आपको बजट फोन में मिलने वाला है। उसके साथ साथ इसका अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो आपको 30% ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो ज़्यादा मिलने वाली है और 15% जो है एरिया जो है काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। लाइक अभी क्या होता है फ़ोन में इन डिस्प्ले में एक छोटा सा एरिया दिया जाता है, आपको वहीं अपने थंब को लगाना पड़ता है, लेकिन अब जो है 15% ज़्यादा एरिया देने वाला है Xiaomi। तो भाई ये स्पेसिफिकेशन जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अब फोन आने के बाद पता पड़ेगा कि कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने वाला है, वो भी ट्रिपल कैमरा। उसके साथ है इसमें आपको सोनी सैमसंग के सेंसर वगैरह मिलेंगे और इसमें जो है 960 FPS का स्लो मोशन की फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसके साथ साथ इसमें आपको वाइड एंगल का सपोर्ट मिलने वाला है, तो भाई Xiaomi की तरफ से ये पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको वाइड एंगल का सपोर्ट मिलेगा। अब अगर इसके मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो आपको 20 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो जो आप ये इमेज देख रहे हैं इसमें आपको फ्रंट कैमरा कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये फ़ोन जो है नॉचलेस आने वाला है। लाइक इसकी जो डिस्प्ले है उसमें नॉच वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बात क्लियर है कि जो इसका फ्रंट कैमरा है वो पॉपअप कैमरा होने वाला है। लाइक जो अभी फ़ोन आ रहे हैं उनकी तरह ही इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा, तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसा सुन रहे हैं कि इसमें भी आपको जो है वाइड एंगल का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ साथ इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड है क्योंकि पोको F1 में LCD डिस्प्ले का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब पोको F2 में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसके कारण जो ब्लैक कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप में ब्लैक आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलेगा फ्रंट और रियर दोनों में। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो भाई K20 में आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि K20 में आपको 700 का स्नैपड्रैगन मिलने वाला है। उसके साथ साथ K20 प्रो जो कि इंडिया में पोको F2 के नाम से रिलीज होगा उसमें आपको 855 जो लेटेस्ट फ्लैगशिप जो चिपसेट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसके अगर मैं रोम रैम की बात करूं तो इसमें आपको दो वेरिएंट के साथ ये फ़ोन मिलेगा। पहला वेरिएंट होने वाला है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट होने वाला है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसके अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें आपको MIUI 10 का सपोर्ट मिलेगा, वो भी एंड्रॉयड 9 के साथ। तो भाई ये थी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन K20 और K20 प्रो की। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि K20 प्रो पोको F2 के नाम पे आने वाला है और पोको F2 जो है बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाला है क्योंकि इसका जो प्राइस है इंडिया में वो 20 से 25 हज़ार रुपये ही होगा। इसका जो दूसरा वेरियंट है वो थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, लेकिन इसका जो बेस वेरियंट है वही ज़्यादा चलता है, तो उसका प्राइस 20 से 25 तक जाने वाला है इंडिया के।
अंदर। तो भाई आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन फ़ोन को लेके, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना है, भर देना है कमेंट कि भाई आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज़ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा ऐसी ही अगली अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।